नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तूफान सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मरकरी मैन। मरकरी मैन, कथानक नाजरा खान, चित्रांकन दिलीप कदम, बसवराज वाकड़े। रात के सन्नाटे को अचानक तोड़ती चली गई थी बिजली कड़कने की आवाज़। कड़ाक! प्रकट हुई एक रहस्यमय आकृति जो धीरे धीरे मानवाकार धारण करने लगी थी। तभी गूंज उठी उस शख्स के पीछे पुलिस जीप के टायरों के चिंघाड़ने की आवाज़। कौन है बे तू, इतनी रात गए सड़कों पर क्यों घूम रहा है? साहब, मुझे तो यह कोई चोर उचक्का लगता है। लेकिन जवाब की जगह मौत मिली उन्हें, भयानक मौत। खच खच आह! इंस्पेक्टर का रूप धारण कर पुलिस जीप लेकर रवाना हो गया वह। जूम! कुछ देर बाद वह एक टेलीफोन बूथ के अंदर खड़ा टेलीफोन डायरेक्टरी देख रहा था। यहाँ तो तीन संदीप शर्मा है, इन तीनों का ही पत्ता साफ करना होगा। एक झटके से फाड़ लिया उसने डायरेक्टरी का पन्ना और निकल आया बूथ से बाहर, जबकि पास ही प्रकट हो रही थी एक अन्य मानवाकृति। मरकरी मैन मुझसे कुछ ही डेका मिनट पहले ट्रांसमिट हो चुका है, कहीं वह अपने मिशन में सफल ना हो जाए। मुझे हर हाल में उस बच्चे की रक्षा करनी होगी। उस्ताद, जरा उस जोकर को तो देखो, वाकई जोकर लग रहा है। आ देखते हैं, शायद साले के पास कुछ माल पानी हो। बुरे दिन थे बेचारे बदमाशों के, तभी तो दोनों बड़े थे उसकी तरफ। हैंड्स अप, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे चुपचाप निकाल दो। लेकिन माल हासिल करने की तमन्ना दिल में ही रह गई बेचारों की। धड़ाक! आह! उस रहस्यमय आदमी के शक्तिशाली वारों ने उन्हें दोबारा उठने का अवसर नहीं दिया। धड़ाक! आह! फिर उसने एक बदमाश के कपड़े उतारकर पहने और उसकी मोटरसाइकिल लेकर रवाना हो गया। उधर वह पहले प्रकट होने वाला व्यक्ति एक मकान की कॉल बेल बजा रहा था। कुछ क्षण बाद, हाँ जी कहिए, आपको किससे मिलना है? तुम्हारा क्या नाम है बेटे? संदीप शर्मा। लेकिन आप कौन हैं? तुम्हारी मौत। धाएं धाएं धाएं! आ! बहुत भयानक जवाब मिला था उस मासूम को। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में, सर, टेलीफोन डायरेक्टरी से हमें तीन संदीप शर्मा के पते मिले हैं और उनमें से दो कल रात कत्ल हो चुके हैं, और अगर हमारा शक सही है तो वह हत्यारा तीसरे बच्चे की हत्या भी करना चाहता होगा, लेकिन मैं उसे यह कत्ल हरगिज नहीं करने दूंगा। ओह! जूम! चल पड़ा तूफान। शीघ्र ही मुझे संदीप से मिलना है। वह तो अपने फ्रेंड के साथ सन वीडियो पार्लर गया हुआ है, लेकिन बात क्या है, अभी एक इंस्पेक्टर भी उसे ही पूछता फिर रहा था। इंस्पेक्टर? हाँ, अभी कुछ ही देर पहले आया था, मैंने उसे उसी वीडियो गेम पार्लर में भेज दिया है। अगले क्षण बढ़ चला तूफान। सन वीडियो पार्लर। उधर सन वीडियो पार्लर में, शाबाश संदीप, शाबाश, आज सारे विनिंग पॉइंट्स अपने होने चाहिए। चिंता मत कर अजय, ऐसा ही होगा। मौत आ पहुंची थी वहां अपना शिकार ढूंढने। वाओ, एक और! अंदर दाखिल हुआ दरिंदा। संदीप शर्मा को जानते हो? हाँ, वह रहा, लाल शर्ट वाला। हट यार संदीप, मुझे भी तो खेलने दे। एक मिनट रुक, बड़ा मज़ा आ रहा है। उसी क्षण, धाएं! पीछे हट, अब मैं खेलूँगा। उफ, तू भी एक मुसीबत है यार। शायद जीना लिखा था संदीप के भाग्य में। तभी तो गोली के रास्ते में आ गया था अजय। आई, अजय! उछलकर बचा संदीप हत्यारे के अगले वार से। धाएं! ओ गॉड, ये तो मुझे मारना चाहता है। और इससे पहले कि वह दरिंदा अगली गोली चला पाता, धड़ाक! ओह, बस बहुत हो चुका कमीने। उफ! जहां पहले चारों तरफ दहशत विराजमान थी, अब खुशी की किलकारियां गूंजने लगी। तूफान, इसे छोड़ना नहीं। वाह वाह वाह, क्या शानदार फाइटिंग है। हिप हिप हुर्रे! तूने दो मासूम बच्चों की हत्या की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। आह! अचानक भड़ाक, चौंक उठा तूफान उसकी अद्भुत शक्ति देखकर। उफ, यह क्या चक्कर है। अगले ही क्षण, अब इसे खत्म ही करना होगा। तूफान की बेल्ट से निकली घातक किरणें और चीरती चली गई उस दरिंदे के शरीर को। भड़ाक! लेकिन अगले ही क्षण चौंक उठा तूफान। ओह, यह क्या दृश्य ही कुछ ऐसा था। ओह नो, यह कैसा आदमी है,
इसका शरीर तो पारे की भांति सिमट कर फिर अपने वास्तविक रूप में आ गया। तूफान ने जहरीली पिनों का उपयोग किया, लेकिन उफ, फिर तूफान कुछ और समझ पाता उससे पहले ही। भड़ाक, ओह, दूर जा गिरा तूफान। धड़ाक, उधर उस दरिंदे ने उठाई रिवॉल्वर और तान दी संदीप की ओर। नहीं, उफ, वह संदीप को मार डालेगा। धाए, लेकिन इससे पहले कि गोली संदीप की जान ले पाती। ओह, भाग संदीप, वरना ये तुझे मार डाले। आह, धड़ाक, ओह, वह संदीप के पीछे जा रहा है, इसे रोकना होगा। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ओह, छलांग लगाकर दबोच लिया था तूफान ने उसे, लेकिन ओह, वह तो मेरे हाथों से ऐसे निकल गया जैसे मैंने किसी परछाई को पकड़ा हो। वह संदीप को छोड़ेगा नहीं, उसे किसी भी तरह रोकना होगा। मौत पीछा कर रही थी संदीप का, वह तो मेरी तरफ ही भागा आ रहा है। चौंक उठा था तूफान उस दरिंदे की भागने की स्पीड देखकर। उफ, जिस स्पीड से वह भाग रहा है उससे तो वह कुछ ही पलों में संदीप को पकड़ लेगा। दौड़ पड़ी तूफान की स्पेशल बाइक, मुझे किसी भी तरह उसे बचाना होगा। सुम, धड़ाम, की होया बापे, अरे रे, ट्रक ड्राइवर को बाहर फेंका उसने और खुद उसकी जगह संभाल ली। आई, कमान से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा ट्रक। उफ, वह संदीप को टैंकर से कुचलने के लिए बढ़ रहा है, अब तो संदीप को बचाने का यही तरीका है। उधर संदीप अपनी जान बचाने का उपाय सोच चुका था, यह टैंकर उस पतली गली में नहीं जा पाएगा, यहाँ जान बच सकती है। शीघ्र ही संदीप मौत से अपना पीछा छुड़ा चुका था। चलो, जान बची, टैंकर अब कहीं नजर नहीं आ रहा है। तभी धड़ाम, कांप उठा था संदीप मौत का यह भयानक रूप देखकर। ओ नो, एक बार फिर शुरू हुई जिंदगी और मौत की आंख मिचौनी। भड़ाक, जिसमें मौत जीत हासिल करती नजर आ रही थी। टैंकर को ठीक अपने सिर पर देख दहशत से चीख उठा संदीप, बचाओ। ठीक उसी पल तूफान के होते हुए कोई किसी बेगुनाह का खून नहीं बहा सकता। कम ऑन, ओह, तूफान अंकल, क्राक, अब मैं इसे एक पल के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ही क्षण एक गगनभेदी धमाके से वातावरण थर्रा उठा। भड़ाम, उफ, आखिर खत्म हो ही गया। पारे जैसी शक्ति का स्वामी था वह, लेकिन था कौन? तभी अंकल, वह देखिए, ओ गॉड, यह क्या, यह तो अभी भी जिंदा है। जी हाँ, सचमुच जिंदा था वह, यह तो फिर अपने वास्तविक रूप में आ रहा है, अब इससे कैसे निपटा जाए। तभी ओह, यहाँ से फौरन भागो दोस्त, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, जल्दी करो। दूसरे ही पल हवा में उठती चली गई तूफान की बाइक। कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ दोस्त, हम दोनों ही सन 2050 के युग से आए हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो मैं तुम्हें अभी प्रमाण देता हूँ। अगले ही क्षण अपनी बाजू चीरता चला गया वह। दूसरे ही क्षण चौंक उठे थे वह लोग उसके शरीर के अंदर छिपी लोहे की मांसपेशियाँ देखकर। ओह नो, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया? ओ माई गॉड, हे भगवान, दरअसल हमारे युग में विज्ञान ने बहुत तरक्की की और मनुष्यों ने अपना सारा काम रोबोट मानवों को सौंप दिया। धीरे धीरे मशीनी मानव ताकतवर होते गए और उन्होंने मनुष्य को खत्म करके अपनी दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। हमें इन तुच्छ मनुष्यों को समाप्त कर अपनी अलग दुनिया बसानी चाहिए। बस तब से हम लोगों में और मशीनी मानवों में भयानक युद्ध चल रहा है। भड़ाम, भड़ाम, इस युद्ध से अत्यधिक परेशान होकर हम इस युद्ध को रोकने के लिए तरह तरह के परीक्षण करने में जुटे हुए थे। इन्हीं परीक्षणों से हमें ज्ञात हुआ कि आने वाले समय में ऐसा महान योद्धा पैदा होगा जो इस युद्ध में हमारी सहायता करेगा और सारे रोबोट मानवों का नाश करके हमें उन पर विजय दिलाएगा। कौन है वह महान योद्धा? संदीप शर्मा। आने वाले समय में यही बालक उस मशीनी दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। ओह, क्या इस बात की खबर रोबोट मानवों को भी है? हाँ, इसलिए तो उन्होंने संदीप को इसी युग में खत्म करने के लिए मरकरी मैन भेजा है। मरकरी मैन का जिस्म पारे का बना हुआ होता है और वह कोई भी रूप व आकार धारण कर सकता है। जब हमें इस बात का पता चला तो मुझे संदीप की रक्षा के लिए यहाँ भेजा गया।
लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम भी एक मशीनी मानव हो। हाँ, कहा था, लेकिन मैं पूरी तरह मशीनी मानव नहीं हूँ। मेरे जिस्म के केवल कुछ हिस्से धातु व कंप्यूटर्स वगैरह के बने हैं और बाकी सब कुछ आम मनुष्यों की तरह हैं, जैसे बाल, खाल, खून इत्यादि। हमारे युग में हमें साइबोर्ग कहा जाता है। और दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम मरकरी मैन से संदीप को बचाने में मेरी मदद करो। ठीक है दोस्त, मैं अभी हेडक्वार्टर फ़ोन करके पुलिस फोर्स बुला लेता हूँ। अगर मरकरी मैन यहाँ आया तो जीवित नहीं बचेगा। शीघ्र ही पुलिस छावनी बन चुकी थी प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला। लेकिन वह नहीं जानते थे कि पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा पुलिस पार्टी को भेजे गए वायरलेस संदेश को सुनकर मरकरी मैन उनके छुपने की जगह के बारे में जान चुका था और इसी ओर आ रहा था। प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला के बाहर उतरा मरकरी मैन और किसी को कुछ समझने का अवसर दिए बिना उसने वहां मौत बरसानी शुरू कर दी। मरकरी मैन का रास्ता मौत भी नहीं रोक सकती। बुम धड़ाम, बुम बुम ब्राम, ऐसे ही मरोगे तुम सब, ऐसे ही। और जब धमाकों की आवाज़ अंदर पहुंची, ओ माय गॉड, वह तो अंदर आ रहा है, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हा हा हा, अब कोई यहां से नहीं जा पाएगा, सबकी चिता यहीं बनेगी। मेरा पहला शिकार होगा आने वाले समय का यह महान योद्धा। लेकिन इससे पहले कि वह संदीप पर वार कर पाता, रॉबर्ट मैन बीच में आ गया। ओ नो, ओह, उफ, अगले ही क्षण, दोस्त मैं इसे संभालता हूँ, तुम संदीप और प्रोफेसर साहब को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रॉबर्ट मैन ठीक कह रहा है तूफान, चलो यहाँ से। बाहर आकर, ओ नो, उसने मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी तोड़कर सारा पेट्रोल बहा दिया है ताकि हम भाग ना सके। तूफान, वह ट्रक सही हालत में है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रक में सवार हुए तीनों और वहां से रवाना हो गए। इधर अंदर रॉबर्ट मैन मरकरी मैन से भिड़ा हुआ था। मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकता रॉबर्ट मैन। धड़ाक, ओह धड़ाम, नष्ट कर डालूंगा मैं तुझे। क्राक, आह, फिर उसने रॉबर्ट मैन को संभलने का मौका नहीं दिया। धड़ाक, मैं तेरे शरीर के हर अंग को उखाड़कर फेंक दूंगा। शीघ्र ही रॉबर्ट मैन खत्म हो चुका है, अब मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उस पर गोलियों की बरसात शुरू हो गई। वाह, हेलीकॉप्टर, यह मेरे काम आएगा। और छनाक, ई, इस हेलीकॉप्टर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा नीचे जा। आई, मौत उड़ चली अपने शिकार की खोज में। शीघ्र ही, ओ माय गॉड, उफ, यह क्या, उफ, लगता है मरकरी मैन रॉबर्ट मैन को मारने में सफल हो गया है। अंकल कुछ करो अंकल, वरना वह हमें मार डालेगा। अंकल आप ट्रक संभालिए, मैं उसे देखता हूँ। प्रोफेसर भास्कर ने स्टीयरिंग संभाल लिया और तूफान ने स्टेन गन को। उस हेलीकॉप्टर में ही मैं उसकी चिता बना दूंगा। तूफान ने गोलियां चलानी शुरू की, निशाना अचूक था तूफान का। खुशी से उछल पड़ा तूफान, वो मारा, हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी है, अब ये ज़्यादा देर तक हमारा पीछा नहीं कर सकता। लेकिन अगले क्षण उसे चौंक जाना पड़ा। ओ नो, वह तो हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या, अब तो बचने का एक ही तरीका है अंकल, जंप। बाहर कूदे तीनों, ठीक उसी पल जलता हेलीकॉप्टर आ टकराया ट्रक से। धड़ाम, तीव्र विस्फोट से कांप उठा वातावरण। बूम भड़ाम, अंकल भागिए, वह पुनः जीवित हो रहा है। जान बचाकर भाग रहे थे तीनों कि अचानक कुछ देखकर प्रोफेसर की आंखें चमक उठी। लिक्विड नाइट्रोजन, और तेज अंकल। तूफान, मरकरी मैन जैसे ही उस टैंकर के पास पहुंचे, टैंकर को उड़ा देना। मैं आपका मतलब समझ गया अंकल। ओह, लिक्विड नाइट्रोजन। जैसे ही मरकरी मैन टैंकर के पास पहुंचा, अपना काम बखूबी अंजाम दिया तूफान की किरणों ने। भड़ाम, टैंकर के परखच्चे उड़ गए। घिरता चला गया मरकरी मैन टैंकर से निकली गैस में। बर्फ की भांति जमता चला गया मरकरी मैन। आंखें चमक उठी तूफान की यह दृश्य देखकर। यही समय है कुछ करने का। तूफान की बेल्ट से निकली किरणों ने भड़ाम प्रखच्चे उड़ा दिए मरकरी मैन के। खुशी से नाच उठे तीनों। मुबारक हो तूफान, वो मारा, खत्म हो गया मरकरी मैन, याहू।
कुछ देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। लेकिन अंकल, एक बात समझ में नहीं आई, वह जम कैसे गया था? दरअसल उस टैंकर में लिक्विड नाइट्रोजन भरी हुई थी बेटे। लिक्विड नाइट्रोजन हर पिघली धातु को जमाने की क्षमता रखती है, और चूंकि मरकरी मैन का शरीर पारे का बना था, इसलिए वह जम गया था और तूफान ने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन अंकल, यह जीत मेरे अकेले की नहीं है, रोबोट मैन की भी है। मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तुम ठीक कहते हो बेटे, वह एक महान योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसने भविष्य को बचाने के लिए अपना वर्तमान मिटा डाला। तो यह थी तूफान सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।